सर ये डिटेंशन सेंटर बनाया गया है लोगों के द्वारा, सर कैसा लग रहा है इसको, आप इसमें आप अंदर गए हैं? ये देश हमारा है, सब नागरिकों का है। ऐसा लग रहा है कि आज की जो सरकार है सब नागरिकों को बंद कर रहे हैं अंदर। यहाँ पे हम लोग तो अभी खुद आए यहाँ पे देखने के लिए। सर आपको कैसा महसूस हुआ है इसमें आप अंदर गए हैं, ये क्या वाकई में इस तरह में लोगों को इसमें बंद किया जाएगा जो सरकार कहीं कहीं बना रही है डिटेंशन सेंटर? ये दुख है, मैं सरदार हूँ, मेरे को लग रहा है कि जलियांवाला बाग जैसा हालात पैदा कर रहे हैं लोग। सर जो मोदी सरकार है, जो हमारी सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या लगता है सर कितना साबित हो रहा है ये? सिर्फ यहाँ पे लग रहा है सब साथ है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखो सब साथ में, यहाँ पे तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका साथ यहाँ पे दिख रहा है, विकास तो किसी का नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर आप सबके साथ की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं जो मोदी सरकार कहती है, लेकिन यहाँ तो जो लोग परेशान हैं कड़ाके की ठंड में, लोग यहाँ पर ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सबका विकास हो रहा है, सबका यहाँ पे विनाश हो रहा है? हकीकत ये है कि देश में बेरोजगारी हर जगह बढ़ रही है, तुम और बढ़ा रहे हो यहाँ पे, लोग अपना काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। तुम NEAS ये जो CA NPR NCR छोड़ो, पहले तुम लोगों का रोजगारी का देखो, इंसानियत पे करो, ये देश इंसानियत पे बना था, कोई मज़हब पे नहीं बना था। सर हमारे देश में जो 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी के, जातिवाद है, असमानताएं हैं, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, देश की महामंदी है, लोगों के रोजगार ख़त्म हो गए हैं, इसके अलावा जो बहुत सा NPA हो गया है, तो सर जो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश में, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, क्या उसको दबाने के लिए ये सब कानून लाया गया था? ये मेरे को पता नहीं किसके लिए दबाया गया है, पर हम लोग 3-4 दोस्त आए, ये मेरा दोस्त जैन है, मैं सिख हूँ, ये मुसलमान है, और हम लोग सब भाई भाई हैं, आपस में हमारे को कोई मतभेद नहीं है, खामखा ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। सर मैं वही तो कहना चाहता हूँ, जो सरकार में बहुत सारी खामियाँ हैं, लोगों को रोज़गार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा जो हमारी पीढ़ी है वो आत्महत्या कर रही है, महंगाई है, महामंदी भी है, जो बहुत सारी खामियां हैं हमारे देश में, क्या उन सब चीज़ों को दबाने के लिए ये कानून लाया गया था जिससे कि ये मामला डाइवर्ट हो जाए, इन सब मुद्दे भूल जाएं लोग? बिल्कुल, जो सरकार की नाकामियां है उसको दबाने के लिए दिख रहा है ये पूरा, ये जो नाटक बन रहा है यहाँ पे इसी के लिए हो रहा है। सर जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं देश के, वो उनमें जो है जहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा किए जाते हैं, वहाँ पुलिस घुस रही है, वहाँ गोलीबारी हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, क्या लगता है क्या युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है? युवाओं को भटकाने की नहीं, उनको दबाने, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सर यहाँ पे करीब 1.25 महीना हो चुका है, शाहीन बाग ये दिल्ली का इलाका है, यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ करोड़ों का जो रोज़गार होता था हर महीने वो सब, यहाँ मार्केट बंद हो चुकी है, यहाँ लोग धंधे ठप्प हैं, क्या लग रहा है क्या इससे कितना नुकसान हो जाएगा यहाँ के लोकल निवासियों का? तो मैं तो पहली बार आज आया हूँ, मगर जाहिर है कि सबका धंधा चौपट हो गया है, पर जब तक मैं दिल्ली में हूँ 10-15-20 दिन के लिए मैं रोज़ यहाँ पे आऊँगा। अच्छा सर क्या लग रहा है, क्या ये जो मांग है यहाँ के जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, क्या इनकी मांग मान ली जाएगी? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, मैं तो पहली दफ़ा हूँ, जैसे ही आऊँगा मैं तो थोड़ा और पता लगेगा। यहाँ और बहुत सारे युवक हैं, उनसे बात करते हैं, सर क्या लगता है, सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आ जा करके? यहाँ आके मुझे एक एहसास हो रहा है एक तकलीफ का, ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है जी, इसका एहसास हो रहा है हमें कि ये माइनॉरिटी को दबाने का और युवाओं और छात्रों की आवाज़ को दबाने का सरकार का ये प्रोपेगेंडा है। क्या सर मोदी सरकार है जो, क्या वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? बिल्कुल 100%। सर ये जो कानून लाया गया है क्या लगता है, क्या ये संविधान की हत्या का भी मामला हो सकता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? ये कंप्लीट संविधान का कत्ल है, ये संविधान का कत्ल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। तो सर ये जो है जो समस्या खड़ी हो गई हमारे देश में, पूरे देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, दो स्टेट की सरकारें कोर्ट चली गई हैं इस कानून के खिलाफ, क्या लग रहा है, क्या मोदी सरकार इस पर यू टर्न ले सकती है, क्या लगता है आपको? ये तो अब मोदी सरकार पे डिपेंड करता है और उन्हें लेना भी चाहिए इस पे। क्या सर जैसे चुनाव है दिल्ली में, दिल्ली ये सिर्फ शाहीन बाग में नहीं है, ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है अगले महीने 8 फरवरी को, क्या ये लगता है कि चुनाव के बाद में ये जो धरना प्रदर्शन है या ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये घटेंगे या बढ़ेंगे पूरे देश में? ये जब तक ये कानून वापसी नहीं लेते हैं ये पूरी देश में आग की तरह फैलेंगे। सर आपकी उम्र करीब
आप 30-35 साल के हैं, आपने अभी तक कैसे आंदोलन देखे हैं? क्या इस सरकार में ऐसा आंदोलन दिखा है दो धर्मों को लेकर या दो समुदाय को लेकर? ऐसा आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा है जो पूरे इंडिया में आग की तरफ है। बहुत सारे जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन पूरे इंडिया में पहली बार हो रहा है। आप जो मीडिया कवर नहीं कर रही है, जो गोदी मीडिया है वो आंदोलन को कवर नहीं कर रही है। अगर आप देखें पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो मीडिया वाले उस प्रोटेस्ट को दिखा नहीं रहे हैं। आपने सर मीडिया की बात करी है, तो जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े मीडिया हैं, जो जिसको राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, क्या वो भी हाईजैक कर ली गई है भारत सरकार के द्वारा? ये 100% हाईजैक कर ली गई है, और ये पढ़ी लिखी जनता है इस बात को समझती है। सर हमारे देश में 2014 के बाद में बहुत सारी समस्या आई हैं, 2016 में नोटबंदी कर दी गई थी, उसके बाद में बहुत सारी GST वगैरह आ गई हैं, जो व्यापार है वो भी ठप हो चुका है, उसके बावजूद जो बहुत सारी समस्या हमारे देश में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो हर चुनाव में जीतती चली जाती है। जो मेनस्ट्रीम जो चुनाव होते हैं, मैं स्टेट बोर्ड इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या है सर इन्होंने सच्चाई कैसे जीत जाती है? इन्होंने सच्चाई ये है कि अपने जितने भी महकमे हैं वो अपने बंदे बिठा रखे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके जीतने का। अच्छा हमारे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद अय्यूब। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ अभी किसी से मिलने के लिए आया हूँ, और मैं प्रोटेस्ट में करीब 10 दिन से आना जाना हो रहा है। अच्छा, जो 10 दिन से आप प्रोटेस्ट में इसमें आ रहे हैं, आपका काम धंधा भी ठप हो रहा होगा, कैसा लगता है? मुझे इससे ये बुराई महसूस हो रहा है कि आने वाला समय हमारा बहुत बुरा होने वाला है, अगर इस चीज़ को ना रोका जाए तो ये बहुत बुरा समय होगा। आपको याद होगा इन्हीं की सरकार BJP अटल बिहारी वाजपेयी एक योजना लाई थी कि जनसंख्या घटाओ, एक रामलीला मैदान पर एक जन सैलाब हुआ, बेचारी सरकार इतनी अच्छी अटल बिहारी वाजपेयी वापस हो गए। ये निकम्मी सरकार इतनी दिन से होगा, 37वां दिन का वोट लगा हुआ, इनको कान में समझ में नहीं आ रहा। अब इनसे बड़ा ये जितने भी बैठे हुए हमारा जो रोजगार है, इस सबका नुकसान पहुंचाने वाला ये है, डायरेक्ट बात है। क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, कहीं ना कहीं जो नौकरी पैसा आदमी है, जो मजदूर है, सड़क पे काम करता है, युवा वर्ग आज सब ठप पड़ा है, सड़क का जाम है, क्या उसको जो आर्थिक रूप से चोट मारने की कोशिश की गई है? बिल्कुल। आप ये सोचे अगर ये NPR, NRC, CA अगर ना होता तो हम अपने जॉब पे होते। ये इस चीज़ को नोट करिए आप, अगर आज ये ना ड्रामा करता तो ये जितनी औरतें हैं जो जेंट्स हैं सब अपने अपने काम पे होते, दो पैसा कमाते, अपने बीवी बच्चों को पालते, ये दिन तो देखने को ना मिलता। पूरा हिंदुस्तान में आज ये लगा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नोटबंदी में 137 आदमी का गवर्नमेंट ने इस चीज़ का प्रूव किया कि इतने आदमी, इसका मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मोदी साहब है। अच्छा कुछ दिन पहले जो मोदी सरकार है वो कानून लेकर आई थी, 3 तलाक वाला भी आई थी, बाकी और भी बहुत सारे कानून आ चुके हैं, उस पर जो मुस्लिम समुदाय है या जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने इतना विरोध नहीं किया था, क्या बात है कि इस बार जो है पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है? देखिए ये असल मामला क्या है, वो 3 तलाक एक मुस्लिम का पर्सनल मैटर था, अगर हमसे गलती होती है तो ये हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम 3 तलाक क्यों दें। हमें हक है इस बात का कि हम औरत को भी बचाएं, हम आपस में मिलकर रहें, लेकिन ये जो आज चल रहा है ये एक संविधान मान के चलो, आज हम 46 साल की उम्र है, अगर हम आज इस चीज़ का विरोध ना कर सके, कल हमसे बच्चा पूछेगा कि पापा आप क्या किए, मैं क्या जवाब दूंगा? संविधान हमारा अधिकार ख़त्म करेगा, कल हो के हमें बोलने की आज़ादी नहीं रहेगा, जिस तरह से अभी नहीं सुन रहा, आगे नहीं सुनेगा तो हम कहाँ के रहेंगे? आप कहाँ के रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ के रहेंगे? ये मेरा पहला क्वेश्चन। मोदी आज 6 साल या 7 साल, बाकी सरकार थी, कहाँ इस तरह से हुआ? आप सोचें इस बात को।